यो सो आखिरकार पहला व्लॉग हो रहा है चैनल का। आज हम लोग जा रहे हैं रायट के एक एजेंट रिवील इवेंट के अंदर। आई होप सो तुम्हें और मुझे दोनों को मजा आए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ व्लॉग। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे तो मजा आएगा, मतलब वो रहा है। चलो देखते हैं। ऑल्सो इस शुभ अवसर पे हम ये पहनने वाले हैं। अभी तक मैंने इधर छुआ भी नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम मैं निकाल रहा हूँ, तुम लोगों के सामने निकालते हैं। मजा आएगा। ये पहनिए, ये मैंने अभी तक निकाले थे, मैंने लिए थे बहुत पहले, बट अभी तक पहनी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसे भी पहन लेंगे। तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं भैया के साथ और जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे, जब तक थोड़ा भोपाल निहारो आप लोग हमारे साथ। जो तो हम पहुंच गए हैं अब एयरपोर्ट, अब यहाँ से जाएंगे बैठेंगे एंड देन इवेंट। चलो पहली बार है तो मेरे को तो वियर्ड सा लग रहा है ये सब करने में, और ये सब करने में तो मजा आए, और आने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो देखते हैं किन लोगों से मिल पाएंगे, किन लोगों से आपको मिला पाएंगे। और यस एंड तो पहली बार हम ट्रैवल कर रहे हैं, कमांड अलग फटी हुई है, मुझे पता है अलग लेवल की फटी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा क्या, मेरा फर्स्ट टाइम है और क्या एक्सपीरियंस हुआ पता नहीं। क्रैश ना हो बाकी, जय माता दी। सो वी आर फाइनली हियर मुंबई, हियर मुंबई आ चुके हैं। चलो यो सो हम पहुंच गए होटल के अंदर आखिरकार। यार पता है मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि पता है मेरा जो कैमरे की बैटरी थी वो खत्म हो गई, तो फिर मैं होटल के अंदर आना, होटल के अंदर यू नो क्या बोलते हैं, पहले रिएक्शंस दे नहीं पाया। तो होटल के अंदर हम आ गए, बहुत ही बेहतरीन होटल है, मतलब क्या ही बताऊं तुम लोगों को, मजा ही आ गया मुझे देख के, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट बाय रायट। एंड अभी हम जाएंगे वेन्यू के ऊपर और देखेंगे कि वेन्यू में क्या काम चल रहा है। आज 14th है, कल है हमारा इवेंट, तो हम एक दिन पूरे दिन मुंबई में मस्ती करेंगे जितनी कर पाएंगे। तो लेट्स सी कैसा जाता है दिन। अभी बजे अराउंड 1 और देखते हैं कैसा जाता है, क्या करते हैं फिर। अभी 2 बज रहे हैं ठीक, और तुम लोगों को व्यू दिखाना तो बनता है ना, है ना, है ना। तो ये व्यू देखो भाई, तुम व्यू देख रहे हो, ये भाई फुल सी व्यू, ये जून। ओह इट विल बी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। चलो तो चलते हैं अभी तो फेमस सिने बिल्डिंग। यो तो तुम सबके लिए एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा, तो तुम्हें लग रहा होगा कि एंग भाई के तो ऐश है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लक कभी भी हो सकता है खराब आपका, जैसे मेरा हुआ। सो मुझे लगा कि यार कल इवेंट है तो एक बार जाके वेन्यू देख के आते हैं, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है, बढ़िया मजा है, मतलब तैयारी कैसे हो रही देखनी है चीज ना। तो मैं गया तैयारी देखने। सो जब मैं तैयारी देखने गया तो मस्त चल रही थी, मुझे बड़ा मजा आया सब कुछ देख के। और फिर मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने, यानी कि क्रैकी और मेजी, इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई जाते जाते हम कहीं बाहर से कुछ खा के जाएंगे। तब बॉम्बे में हो रही थी बारिश, हमने कहा चलो कैब करते हैं, कैब आई 20 मिनट के अंदर, बॉम्बे ट्रैफिक आई, हम कैब में बैठे और हम लोग दिमाग में ये सोच रहे थे कि भाई अच्छा हुआ बच गए, बारिश नहीं हुई, कल इवेंट है, तबीयत खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल गुड। तो हम लोगों ने ये सोच के कैब ली, कैब में हम बैठे और हम लोग बैठ के थोड़ी देर आगे गए और कैब चलना बंद हो गई, और वहाँ पे हम लोग दिमाग में ये चल रहा था कि यार बस ये ना बोले कि भाई आप, और वही भाई ने बोला कि भाई आप धक्का लगा दो। तो हम लोग जो सोच के गए थे ना कि बारिश में नहीं घूमना है, बारिश में नहीं भीगना है, बिना भीगे आना है, वो तो तो आओ मसाला उत्तपम 830 रुपए बराबर, पोहा 830 रुपए बराबर, पाव भाजी 850 रुपए बराबर, पनीर काठी रोल 1175 रुपए बराबर। यो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये बच्चों तो आओ तुमको कुछ व्यू दिखाते हैं बढ़िया सा। सुबह उठ के 7 बज रहे हैं, मैं अभी अभी उठा है क्योंकि मेरे को फ्री का नाश्ता चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउस यूज। ओ भाई व्यू तो है, व्यू तो है, कुछ भी हो व्यू तो है, सुबह सुबह बढ़िया सा एक तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता आई थिंक शुरू हो चुका है, 6 बजे से शुरू हो गया, उन्होंने बोला था रिसेप्शन वाली दीदी ने मेरे को, तो मस्त मोस्ट रेडली 11 बजे तक की बात है, चलते थोड़ी देर में देखते नीचे कोई मिलता है था। बाकी अब डे दिनचर्या शुरू। यो
सो अब जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने नीचे, बज रहे हैं 9 करीब, तो अब जाते हैं कुछ रातें। मेरे को चाय पीनी है भाई, मेरे को बहुत देर से चाय पीने का मन है, मेरे को 2 दिन से मैं चाय नहीं पीऊँ और चाय के बिना मेरा चलता नहीं है दिन। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं चाय मिलती है कि नहीं, क्योंकि चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमारी पिकनिक ट्रिप जा रही है इवेंट के ऊपर, यहाँ सारे पीछे सारे पिकनिक के लिए इवेंट में जितने भी गेमर्स हैं सारे पिकनिक पे जा रहे हैं, और हमारी पिकनिक आई थिंक ख़त्म होने वाली है बहुत ही ज़्यादा, जितना मुझे पता है हमारा हमें इवेंट तो पार्टी में 1 सेकंड लगेगा। तो मज़ा है बहुत, टाइम में जो बस के अंदर बैठे मज़ा आया, स्कूल बस टाइप फीलिंग मस्त। तो देखते हैं प्रोजे में जाएंगे, इवेंट दिखाते हैं कैसा क्या चल रहा है वहाँ के अंदर, सबसे मिलेंगे जिनसे मिल पाए। ये कौन है आपको पता नहीं होगा, बट ही इज द राइट हेड इंडिया लेवल के सर, सर को मैं ओके ही इज एडजस्ट द कैमरा अकॉर्डिंग टू माय हाइट। मास्क का यार इतना बड़ा इंसान हो, मास्क की क्या जरूरत है, कोरोना देख कर भाग जाएगा। मास्क पहनने वाला आपको पता है? हां रीजन पता क्यों पता? नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजीएमआई ऐसे ही पहन रहा है कुछ टाइम, दो तीन ऐसे और वैलिडेट के इवेंट हो जाए तो तुम्हारे ब्लॉग को बल्गर कर दूंगा मैं। मेरे को अभी कम करना है, 6 महीने में 14 किलो ए, ए, 14 किलो जाना है मेरे को, 14 नहीं 60 को क्या बोलते हैं 16 किलो जाना है। यू कीप दैट इन माइंड कि मुझे ये महीने में इतना करना है, दैट वोंट हैपन बिकॉज़ दैट मैंने आई डिडंट पिक दैट रोड, आई वाज लाइक आई एम गोइंग लॉन्ग टर्म, आई नीड टू चेंज माय लाइफस्टाइल रादर देन जिंदगी में रिलेशनशिप ही नहीं रहता, फिटनेस किधर रहेगा समझ रहे। आई गेस बिग फैन, एक ये ऐसा चाहिए मेरे को, ये सेम ले ले मेरे को नहीं है। अरे गाइस बतूरा हो गया मैं, बतूरा पावर, बतूरा बफ, बतूरा बफ सेम रैंक पे ही है वैसे, असेंडेंट पे ना स्टिल बतूरा बफ मेरे डायमंड से असेंडेंट बड़ा है। इवेंट कोई भी हो चाहे चाय इम्पोर्टेंट है, चाय छाछ श्रीखंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वैलोरेंट के इवेंट में चाय नहीं होगी तो किसी चाय वेरी इंपॉर्टेंट, वरुण बत्रा के उसके बाद भी समोसा और चाय। एक का पिलर नहीं दिखेगा भाई भाई, ये बंदा तुम्हें वो हसल 2.0 के बंदे जैसा नहीं लग रहा, उसका नाम नहीं बताना, नाम बताना कमेंट्स तुमको पता होगा। ठीक है मैं वही हूँ भाई, हाँ ये वही है, दो लाइन बोलेगा ये। अभी 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 उधर ब्रेक पे हूँ ना, हाँ, कास्ट करने यस बराबर बराबर। तो बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से बताना, मुझे क्या लगता है हार्बर मांगलिक है? मुंबई ट्रिप आखिरकार एंड हो गई, बहुत ही बढ़िया इवेंट, मज़ा आया, मस्त बस्ती करी, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई ये कुछ ये तो मॉल जैसा है भाई इधर पूरा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है ये भी सही है, 2 घंटा कम निकल जाएगा मेरे को तो नहीं पता चलने वाला। स्टारबक्स लोग कॉफ़ी पीते मतलब ऐसा क्या ही मिलता है उसके अंदर, हाँ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता लोग क्यों पीते, सीरियसली क्यों, क्योंकि क्या रीज़न, क्या कोई रीज़न है इसका, कोई रीज़न नहीं।